हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो आप सभी को पता ही होगा आज रंजन का बर्थडे, तो हम लोगों ने एक सरप्राइज प्लान किया था। सुबह जल्दी से उठ के जाएंगे, मतलब हम वाओ गैंग ने मिलके उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था कि उसे कहीं पे घूमने ले जाएंगे उसके बर्थडे के दिन। वो तो ट्रेवल का शौकीन है, तो वो तो घूमता रहता है। तो अभी घर आया हुआ है, कोरोना की वजह से घर में बोर हो रहा है, तो कहीं जा ही नहीं पा रहा है। हम जा रहे हैं मतलब इधर आसपास नदी के किनारे कई जगह शूट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उसके बर्थडे के दिन उसे कहीं दूर ले चलते हैं, बहुत एकदम सेक्सी लोकेशन पर लेके चलते हैं जो कि देखो पागल हो जाए। मतलब ऐसी जगह ले जाने के सोचा था, पर सुबह से 5:30 बजे से उठ के हम बैठे हैं और 5:30 बजे से ही बारिश चालू है। अभी तक बारिश नहीं रुका, ना हम उसके घर जा सकते हैं, ना उसे लेके वह जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अभी मतलब बारिश ने तो समझ रहे हो, आप लोग भी प्रे करो कि बारिश जल्दी से रुक जाए। फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच चुका है बारिश की वजह से। आप लोग प्रे करो कि ये बारिश रुक जाए भाई, और कुछ नहीं चाहता हूँ, हमको ये बारिश रुकना चाहिए। बस ये बर्थडे जब ये बर्थडे जो है इसका, ये बस खैर नहीं जाए, हम अच्छे से मनाना चाहते हैं। वही है, बारिश रुक गई है। अभी हम लोग आ चुके हैं रंजन के घर पे, तो देखते हैं लौंडा क्या कर रहा है अभी। आजा भाई, अभी देखते हैं। अरे भाई, अरे रे 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 रे, ओ भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। अबे क्या कर रहे हो, उठो भाई। हां उठ जा भाई, उठ जा। अबे उठ जा भाई, बड़े आदमी, बड़े आदमी। अबे क्या है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कितना बड़ा हो गया, उठ जा भाई, अभी उठ जा, उठ जा। 10 बज गए भाई, उठ जा। अबे बारिश हो रहा है, क्या करना है। बारिश रुक गया भाई, जल्दी कर, उठ जा। अरे यार तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हो रहा है भाई, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर भाई, जल्दी कर यार, जल्दी जाना है भाई। बारिश हो रहा है, कहाँ जाना है, तू रेडी हो बस, जल्दी कर, मजाक वजा कुछ भी नहीं भाई, तू जल्दी रेडी हो जा भाई। एक समझ में आता है दोस्तों, ठीक है, मजाक चलता है, बट इतना भी नहीं कि भाई सुबह से तू लोग मतलब बारिश रुक चुका है भाई, तुम उठो। नहीं जाना, जल्दी करो यार, रेडी हो जा भाई। तो गाइज हमारा लौंडा रेडी हो रहा है और हमारा वाओ गैंग भी ऑन द वे है, हमें बोलो रास्ते में मिलेंगे। ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं अब, मैं भाई एकदम नए कपड़े वपड़े पहन चुका, ठीक है, चल भाई देखते भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्या पागल होने वाला है तू, पागल होने वाला है भाई तू, एकदम तेरे मुंह से निकलेगा भाई वाओ ना, ऑसम भाई। लोग अभी हम लोग का राइड मतलब स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है मतलब कहाँ जा रहे हैं अभी। बस अभी इन लोगों ने बोला है कि यहाँ वाओ गैंग के सारे मेंबर्स हैं, मतलब सब लोग हैं, अभी बोला है कहीं तो लेके जा रहे हैं। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या सीन है, अब देखते हैं। बोला है कि आज का दिन उधर ही स्पेंड करने वाले हैं, पार्टी वार्टी होने वाला है, तो देखते हैं अभी आज का बर्थडे कैसा जाएगा। बाकी वाओ गैंग कहाँ ले जा रहे हो बता दो यार, वाओ गैंग क्या चल रहा है। अब कहाँ ले जा रहे हो भाई, कुछ तो बताओ। प्रेसिडेंट भाई, प्रेसिडेंट भाई बता दो यार कहाँ ले जा रहे हो। हम ले जाके भेज देंगे अभी, लेके जा, तेरे को पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि ऐसी जगह ले जाऊंगा तेरे मुंह से निकलेगी वाओ, ऑसम ना। चलो चलो अभी चलते, चलो 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 बाइक स्टार्ट करो फटाफट। बादल देख रहे हो कितना सही लग रहा है यार, मतलब एक तो सुबह से बारिश हो रखी है ना, और इतना मस्त लग रहा है वेदर, इतना चिल चिल सा, ऊपर से बाइक पे राइड एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये मिसामारी, ये मिसामारी का रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ स्टेशन था, पहले ट्रेन चलती थी, अभी तो फ़िलहाल बंद है कोविड की वजह से।
और मौसम देखो यार कितना सही हो रखा है आज यार। अब ये जो दूर दूर से साइड साइड में पहाड़ दिख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, तो शायद ही हम लोग मतलब उसी के नीचे जाएंगे। मैं कभी इस साइड आया नहीं था कभी। तो गाइस अभी देखो ये सारा सामान हम लोग ने यहाँ से ले लिया, ये लकड़ी वगैरह और यहाँ पे हमारे वाव दो चीज वाव चट्टाई वटाई सब कुछ हो गया। अब जाएंगे यहाँ से कितना कितना दूर है ब्रो यहाँ से? 20 किलोमीटर अभी। कितना कितना है? 30 किलोमीटर। अब यहाँ से 30 किलोमीटर है, वो जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे बिल्कुल नीचे पहुँच जाएंगे और वहाँ से होगा मतलब बर्थडे पार्टी चालू। गाइस ये देखो रास्ता पूरा पूरा ये बारिश और पत्थरों से भरा हुआ है, बड़ा बड़ा बड़े बड़े पत्थर है इस पर। तो मतलब ये बहुत मतलब वैसे जो लद्दाख गया था ना मैं, तो वो रिवर क्रॉसिंग आता था ना, तो ऐसी वाली थोड़ी वाइब आ रही है मेरे को। अबे एक और आ गया ये, चल 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 चल, चल निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा ब्रो 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 ब्रो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, निकल गया। अभी वो देखो, ओ भाई साहब कितना सेक्सी लग रहा है यहीं से, देखो पूरे माउंटेन्स और बादल देख रहे हो कैसे हो रखा है। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए, अभी बर्थडे बॉय को बोलते हैं कि पूछते हैं सरप्राइज उसे कैसा लगा। भाई सरप्राइज तुझे कैसा लगा अब ये बोल भाई। ये ना अभी ऐसा लग रहा है मेरे को हिमाचल जो मिस कर रहा था ना, मतलब वो हिमाचल वाली वाइब आ रही है। और जो आते वक्त जो रास्ता था उस पे मतलब थोड़ा लद्दाख वाला थोड़ा वाइब भी आया, मतलब काइंड ऑफ मिक्सर है बहुत, मतलब मस्त। भाई अरे भाई तेरा बर्थडे था ना तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना जी, इसके बारे में कुछ बता भाई थोड़ा। ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है, ये अरुणाचल पड़ता है, ये अभी असम के साथ बगल में है। इसका नाम दोईमारा है, दोईमारा इससे आगे है इसका नाम भी दोईमारा, नदी का नाम दोईमारा है अभी जो बेहरा है। ये ऊपर अरुणाचल से आया है नदी पूरा। अच्छा भाई, सियांग नदी का ये टुकड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे हम फाइनली आ पहुंचे। ये बंदा है ना, हाँ ये कड़ी मेहनत की है यहाँ, वो मुझे भी दिख रहा था पीछे से। बैग में क्या था ऐसा जो तूने ऐसे पकड़ के रखा था जैसे वो गिर जाए तो मतलब बहुत बड़ा कांड ही होने वाला है। तेल का बोतल गिरने से कुछ नहीं होता था भाई, अरे कपड़े में लग जाता, अरे कपड़े में लग जाता था ऐसा ऐसा बात है। तो गई भाई तुझे किधर? इधर चोट लग गई। अरे भाई आते ही थोड़ा संभाल के चलना चाहिए भाई यार, बहुत बुरा हुआ है। अरे भाई क्या कर रहा है भाई तू? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखा है बीरोल दिख जाएगा तुझे पूरा।
भाई ये क्या बना रहा है भाई, तू क्या बना रहा है इसकी? क्या बोलता है? होली मोली गाइस, होली मोली, वाओ, ऑसम ऑसम। और कवि जी, क्या हाल चाल है? रो रहे हो? धुना धुना चल रहा है, मुझे छोड़ के चले गए, वाओ, छोड़ के चले गए यार। तो गाइस हमारा चिकन रेडी हो चुका है और रोटी भी है हमारे पास एकदम से, अभी बस बैठ के सब लोग साथ में खाने वाले हैं, तो चलो खा के मिलते हैं। के बारे में कुछ बात बोल दे यार। मतलब यार गाइस सरप्राइज बहुत ही मतलब अमेजिंग था, मतलब मैं मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मतलब कि दिल खुश हो गया अपने वाओ गैंग ने इतना गजब का सरप्राइज दिया है और इतना मस्त पार्टी वार्टी हुआ, ठीक है, चिकन विकन मतलब एकदम खाना वाना छोटा मोटा पार्टी वार्टी हो गया, बहुत सही। और मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना गजब पार्टी होगा, बट थैंक यू सो मच ब्रो। यार भाई आई लव यू भाई, आई लव यू ऑलवेज भाई, क्या बोलते हैं वाओ गैंग के सब लोगों के लिए भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सुनो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर देना, गेमिंग चैनल है, लिंक देते हैं। बॉडी इन द बीट यो ब्रदर फेबुलस, लेट्स गो प्रेसिडेंट सर। पार्टी भाई गजब की हुई है और कुछ बताना नहीं चाहता मैं यहां से। वेलकम वेलकम मदर।